कि तेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है और तू हमें से किसी को बिना बताए कॉलेज से घर आ गई। पर हम तेरा हालचाल पूछने नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है तेरी तबीयत खराब नहीं है। तू कॉलेज से सिर्फ इसलिए भागाई ताकि सूर्या से तेरा सामना ना हो जाए। हाँ गुड्डी, वी नो द ट्रुथ। ये बता कि तू कब तक सूर्या को इग्नोर करेगी? वो तेरे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में क्या कह रहा था? बहुत एक्साइटेड था, तुझसे मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था। और इसीलिए हमने तेरे को फोन किया, तो पता चला कि महारानी बीमारी का बहाना बना के घर में आके छुपी बैठी है। नहीं नहीं पूजा, मैं बहाना नहीं कर रही। आज सचमुच मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, सच्ची। हो, ये कहानी ना हमारे सामने नहीं चलेगी, वो अपने घर वालों को ही बता। हमारे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डी, तेरे से फोन पे बात करने के बाद जब मैंने सूर्या को बताया कि तेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है और तू घर वापस चले गई है, वो थोड़ा परेशान हो गया। यार वो सच में तेरी परवाह करता है। गुड्डी, तेरे दिल की आवाज जबान पर आई है, अब अगर सच बोलना है ना तो उसका सामना कर। ऐसे कब तक घर में बैठेगी? घर वालों को उस कॉलेज ना जाने का क्या रीजन देगी? देख गुड्डी, सूर्या बड़ा अच्छा लड़का है, काश वो मेरे पे फिदा होता ना, तो मैंने तो बिल्कुल नखरे नहीं करने थे। पूजा, ज्यादा उड़ मत, वरना मिक्की वाला प्लान ना खतरे में पड़ जाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी यार। अब गुड्डी देख, गुड्डी तेरे हाथ ना गोल्डन चांस लगा है, और फिर तू भी तो सूर्या को चाहती है ना। गुड्डी, सूर्या से मिल, उसे जानने की कोशिश तो कर। गुड्डी, अब तुम दोनों की फीलिंग्स हमें पता है। हम ये नहीं कहते कि तू जल्दी में कोई फैसला ले, टेक योर ओन टाइम, बट मीट हिम। गुड्डी, तू दो चार बार उसे मिलेगी ना तो तेरा ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, और रोमांटिक बातें तो कॉलेज में हो नहीं सकती, इसीलिए तेरे को सूर्या से बाहर मिलना होगा। इसी बहाने तुम एक दूसरे को जान लोगे। अगर दो चार मीटिंग्स के बाद तुझे लगता है कि सूर्या तेरे टाइप का लड़का नहीं है तो तू मुझे बताना, मैं उससे बात करूंगी, पर ऐसे उसे इग्नोर मत कर। तुम दोनों नहीं समझते हो यार बात को, मैं सूर्या से बाहर नहीं मिल सकती, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? गुड्डी, एक बार मेरी बात तो समझ ले। तू चुप रह यार, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। कल ये घबरा के अपने घर भाग गए और आज वो गवर्नमेंट हुआ हीरो कॉलेज ही नहीं आया, और अब बेचारी हीरोइन उसे मिलने के लिए तड़प रही है। तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? बुड्डी, छोड़ ना तू इसे। बुड्डी, कल मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे है? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ जोरों शोरों से मनाऊँ। मैं मेरे बर्थडे में गुल्लू को भी इनवाइट करना चाहती हूँ और सूर्या को भी। पर ये पूजा है ना, ये चाहती है कि पार्टी में सिर्फ गर्ल्स आए। तो तू एक काम कर सी, अपनी गेस्ट लिस्ट में ना मिकी का नाम इंक्लूड कर दे, इसकी पॉलिसी मिनटों में बदल जाएगी। नहीं यार, अगर लड़के होते तो लड़कियां पार्टी एंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसे कहा कि नहीं बस छोड़ दो। ठीक है ठीक है, पार्टी में सिर्फ गर्ल्स होंगी, नो बॉयज। लेकिन गुड्डी, तू कल प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। पार्टी कहाँ होने वाली है ये मैं तुझे फोन पर बता दूंगा। ओके, हाँ हाँ, वैसे भी मैं और पूजा साथ में तो आएंगे। नहीं गुड्डी, एक्चुअली कल मेरे पापा के साथ ना बाहर जाना है। तू एक काम कर, तू अकेले पहुंच जा, मैं डायरेक्टली पार्टी में आ जाऊँ। ठीक है ठीक है।
विनायक को कहा कि अपनी छोटी बहन को ना उसकी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में छोड़ के आना है पर रात को घर वापस लाना है। लगा लगते दिखाने मुझे छोड़ो दर्द हो रहा है। पुत्र गलत जवाब देगा ना मेरे को दर्द तो होना ही है ना। वो इनसे पूछे कि मैंने लड़कियों की पार्टी में करना क्या है। कोई कुत्ते मैंने कब कहा तेरे को कुड़ियों की पार्टी में शामिल होने जाना है। ताई जी वैसे पार्टी में तो 2-3 घंटे लग जाने हैं फिर इसने तो बाहर खड़े खड़े बोल ही हो जाना है। गुटी पुत्र तू फिकर ना कर इसने नहीं बोलो ना भले कहीं इससे दूसरे लोग बोल हो जाए। हाँ चुपचाप इसको ना पार्टी में लेके जा और सही सलामत ना खा लिया ठीक है ना। और गुटी पुत्र अगर ये इधर उधर हो जाए ना तो तू मेरे को फोन कर देना ठीक है पुत्र। जी ताई जी जाओ बेचारा गुल्लू भी मेरे को पता है तुझे बहुत बुरा लग रहा है ना। एक तो सीम्स ने तुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया और दूसरा तुझे 2-3 घंटे बोर होना पड़ेगा रेस्टोरेंट के बाहर। तू एक काम कर मुझे स्कूटी की चाबी दे दे मैंने खुद ही चले जाना। ला दे देना मैंने तेरे को पार्टी में छोड़ के अपने दोस्त मोंटी के घर चले जाना है। मुझे भी तेरी पार्टी शार्टी खत्म हो जाना फोन कर देना फिर कर लेना। मैं चले फिर Yeah.